रजनी पाठ सात। यह मनु भंडारी के द्वारा लिखित एक एकांकी नाटक है। इसमें ट्यूशन के धंधे का भंडाफोड़ जो है वो दर्शाया गया है। सबसे पहले हम पहला दृश्य बात करते हैं। रजनी लीला बेन के घर की घंटी बजा करके लीला से मिलती है। लीला से मिलती है और उसे बाजार चलने को कहती है। बाजार चलने को कहती है। लीला बेन बताती है कि आज उसके बेटे अमित का परीक्षा परिणाम आने वाला है। वह कहती है कि आज उसका बेटा आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगी, इसलिए वह घर पर रहना पसंद करेगी। रजनी उसे मिठाई तैयार रखने के लिए कहती है। तभी अमित स्कूल से घर आता है। अमित जो है स्कूल से घर आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है? और वह रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ की तरफ फेंक देता है और शिकायत करता है कि ट्यूशन ना करने के कारण उसके मार्क्स केवल 72 आए हैं। लीला कहती है कि उसके उत्तर तो सारे ठीक थे, उसके उत्तर तो सारे ठीक थे, तो फिर उसके इतने कम मार्क्स क्यों आए? तो फिर वो कहता है कि जो ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के अंक अच्छे आते हैं। लीला इसे अंधेर करती बताती है। रजनी अमित से बातों ही बातों में जाचती है कि गलती किसकी है। उससे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं, वे हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ने का आग्रह करते हैं। रजनी अमित को कहती है कि यह तो उसके अध्यापक की बदमाशी है, इसलिए उसे मम्मी से ट्यूशन करने के लिए लड़ने के बजाय अपने अध्यापक से लड़ना चाहिए। रजनी अमित को कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर के सर से मिलेगी। अमित डर जाता है, वह रजनी आंटी को रोकता है। लीला भी डरती है कि इस कारण से कहीं उसे स्कूल वाले आगे भी परेशान ना करें। रजनी उन्हें निडर होने के लिए कहती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। यह है पहला दृश्य। पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में हेडमास्टर सर का रूम है, वहाँ पर रजनी विद्यालय में जाती है। रजनी जो है विद्यालय जा रही है। अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखने की अनुमति मांगती है हेडमास्टर सर से। वह कहते हैं कि यह उनके विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। रजनी बताती है कि अमित के अंक पूरे आने चाहिए थे, परंतु उसके केवल 72 अंक आए हैं। यह केवल देखना चाहती है कि गलती किसकी है, लेकिन हेडमास्टर उसे फिर भी नियमों की दुहाई देकर के कॉपी दिखाने से मना कर देते हैं। अब रजनी स्कूल के नियमों की धज्जियां उड़ाने लग जाती है और कहती है कि अध्यापक तथा छात्रों का ये मामला गलत है, कि अध्यापक ट्यूशन के लिए दबाव डालता है, अगर ट्यूशन ना करें तो मार्क्स कम आते हैं। और रजनी यहाँ पर हेडमास्टर को धिक्कारती है और कहती है कि अगर वे ट्यूशन के काले धंधे को नहीं रोक सकते हैं तो फिर वो कुर्सी छोड़ दें। हेडमास्टर आग बबूला हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तीसरे दृश्य में तीसरा जो दृश्य है वह रजनी का घर है। रजनी का घर है, रजनी का घर है। रजनी के घर में रजनी के पति रवि घर आते हैं। रवि घर आते हैं और रजनी उनके लिए चाय लेकर के आती है। रजनी उनके लिए चाय लेकर के आती है। वह पति को सारी बात बताती है। इस पर रवि उसे समझाते हैं कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं तो इसमें उसे क्या परेशानी है, उसके बेटे को तो अभी पढ़ नहीं रहे। इस पर रजनी भड़क उठती है। वह कहती है क्यों अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए, वह अन्याय सहन करने वालों को अन्याय करने वालों से अधिक गुनहगार समझती है। वह पति से कहती है अमित लीला बेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही देश का कुछ नहीं होता। चौथा जो सेक्शन है उसमें डायरेक्टर ऑफ
एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर जो है रजनी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ पर बैठ कर के तीन चार लोग और हैं, वहाँ पर तीन चार लोग और भी हैं। वे डायरेक्टर से मिलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रजनी प्रतीक्षा करते करते तंग आ जाती है और बड़बड़ाने लग जाती है। इतने में एक आदमी चपरासी को 5 रुपए का नोट देता है और डायरेक्टर से मिलने अंदर चला जाता है। डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा बस पेपर वेट हिला रहा है। एकाएक रजनी धड़धड़ाती हुई डायरेक्टर के कमरे में जाती है। डायरेक्टर को उसे घंटी बजने पर आने की सीख देता है। लेकिन वह ऐसा करके खरी खोटी सुना देती है उसे, और डायरेक्टर ऑफिस के प्राइवेट स्कूलों के साथ संबंध कैसे हैं इस बात पर वह उसको बताती है कि वह बोर्ड और स्कूल के संबंधों में रिपोर्ट लिखेगी। रजनी कहती है कि वह रिपोर्ट लिखेगी। उसके बाद वो कहती है कि स्कूलों के में प्राइवेट स्कूल जो है बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देता है, इसके बदले उन पर नियंत्रण रखता है। वह स्कूलों के सिलेबस बनाता है, वार्षिक परीक्षाएं लेता है। रजनी डायरेक्टर के सामने ट्यूशंस का मामला उठाती है। ट्यूशंस के बारे में वह कहती है कि ट्यूशन कोई धंधा नहीं है, जिनका बच्चा कमज़ोर होता है वे ट्यूशन लगवाते हैं। अगर कोई टीचर लूट मचा रहा है तो बच्चे किसी और अध्यापक के पास ट्यूशन रख लें। रजनी अमित का किस्सा रखते हुए बताती है कि वह बहुत ही होशियार है, फिर भी उसे ट्यूशन के लिए दबाव दिया जाता है। उसकी बात ना मानने के कारण उसके अंक केवल 72 आए हैं। निदेशक कहता है कि इस मामले में हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। रजनी कहती है कि हेडमास्टर एक्शन नहीं लेता तो अब क्या ट्यूशन का रिकॉर्ड चलने दें? निदेशक कहता है, हमारे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। और क्या शिकायत के बगैर क्या इस गाले धंधे को रोका नहीं जा सकता? रजनी ये कहती है। तो वह तर्क देता है, लो मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवाती हूँ। पांचवा जो दृश्य है वो है अखबार का दफ्तर। संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उन्होंने ट्यूशन के विरोध में आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। रजनी कहती है कि अगर समाचार पत्र इस मुद्दे को उठा लें तो इस पर चोट करें तो सारा समाज इसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और इससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। संपादक रजनी की ऊंची भावना समझकर उसका साथ देने का वादा करता है और उसने सारी बातें नोट करके एक समाचार पत्र में भिजवा दी। रजनी खुश हो जाती है। वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही हैं, वे इस सूचना को भी अखबार में छपवा दें। छठा दृश्य है बैठक स्थल का दृश्य है। बैठक स्थल में एक मीटिंग चल रही है। बाहर कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रजनी उन्हें संबोधित करती है, माना कि बहुत से बच्चे के लिए ट्यूशन जरूरी नहीं है। इधर अध्यापकों के एक प्रतिनिधि ने भी अपनी समस्या रखी है कि उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे ट्यूशन से ही गुजारा करते हैं। इस पर मेरा कहना है कि अध्यापक भी संगठित होकर आंदोलन करें। रजनी ये कहती है,
बच्चों की ट्यूशन के बारे में यह नियम बनाना ठीक नहीं है और यह स्कूल का नियम होना चाहिए कि कोई भी बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। इससे बच्चों के साथ होने वाली ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में उपस्थित सारे लोग जो हैं वो रजनी का समर्थन करते हैं। सातवां दृश्य है रजनी का घर। रजनी का घर, रजनी के घर, रजनी के पति अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और बताते हैं कि बोर्ड ने उनकी सारी बातें मान ली हैं। वे रजनी पर गर्व प्रकट करते हैं। तभी लीला बेन और कांति भाई और अमित सब वहाँ मिठाई का डब्बा लेकर के आते हैं। इस प्रकार एकांकी का प्रताक्षेप हो जाता है।